सभी का सॉल्व हो गया। मैं आंसर शेयर करता हूँ, चेक कीजिए सारे आंसर। ये आंसर्स हैं, आंसर सब लोग चेक कीजिए, किसी जिसमें डाउट है वो नंबर बताइए क्वेश्चन का, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये डाउट देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी और डी, इन तीनों में जो भी कॉमन है वो हमें करना है। तो ए में ये एलिमेंट है हमें 3, 5, 7, 9, 11, सी में 11, 13, 15। तो सी और ए इन दोनों में क्या कॉमन है, मिला हमें 11, और डी में तो वो 11 भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ए सी और डी में ऐसा, तीनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसलिए हम आंसर क्या लिख देंगे, 5। ना इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ए सी डी, क्या कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, नहीं है, इसलिए हम आंसर लिखेंगे 5। क्लियर थर्ड क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं 9 नंबर है 10 नंबर। अब 9 और 10 के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 नंबर, उसमें हम ए इंटरसेक्शन बी पहले से लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, 7, 9, 11 ही आना चाहिए, 7, 9, 11। नेक्स्ट चीज़ क्या है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी है, बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी भी लिख लेते हैं। बी यूनियन सी, तो बी को तो पहले पूरा लिख दो, 7, 9, 11 एंड 13, और सी में 11 और 13 तो आ गया, केवल क्या बचा, 15 बचा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये वाला साइन यूज करना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ से बी यूनियन सी, इन दोनों के बीच में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इस वाले सेट में और इस वाले सेट में देखो कॉमन क्या है, 7, 9 और 11, ये चीज कॉमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9। क्लियर, 9 समझ में आ गया। अब जैसे 9 किया इस तरह 10th भी कर लोगे। सबसे पहले ए यूनियन डी कैलकुलेट करना है हमें, इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करना, और फिर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेना, सो आंसर आ जाएगा। क्लियर, और कोई प्रॉब्लम?
ओके, फिर हम नया क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन, इसमें वो हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, कि इसमें से कौन से पेयर ऑफ सेट हैं। फर्स्ट में टू पेयर ऑफ सेट दिए हैं, एक 1 2 3 4 और एक दूसरा दिया है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ऐसे सेकंड में दिया, थर्ड में दिया, हर इन थ्री में टू टू पेयर दिए हैं। तो ये पूछा है बताओ इसमें से कौन सा डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिसजॉइंट सेट होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो डिसजॉइंट सेट्स का बहुत सिंपल मीनिंग होता है, और वो मीनिंग क्या होता है कि कभी भी टू टू सेट्स है ए और बी, उनका यदि इंटरसेक्शन लें और इस इंटरसेक्शन क्या आ जाए फाइव, मतलब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो, तो उन सेट्स को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईच में हमें टू सेट्स गिवन है, चेक कीजिए कि किस ऐसा कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन फाइव आएगा। बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड विच वन इज करेक्ट। है ना, तो देखने से समझ में आ रहा है कि थर्ड हमारा आंसर होगा, क्योंकि थर्ड में क्या बोला है एक्स इज एन इवन इंटीजर और एक्स इज एन ऑड इंटीजर, यदि कोई इवन है तो वो ऑड नहीं होगा, इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बाकी सब में तो कॉमन आ रहा है। जैसे सेकंड में हमें दिख रहा है कि ई कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट में दिख रहा है फोर कॉमन आ जाएगा, लेकिन थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसलिए थर्ड इज अवर आंसर। अब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं, उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स हमने सीख लिया था, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमें ए बी सी और डी फोर सेट्स गिवन है, ए माइनस बी ए माइनस सी, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करने के लिए बोली हैं। तो सब छोटा छोटा है, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या क्या आंसर आएंगे।
आइयो वैसे सॉल्व हो गया होगा सभी का, मैं आंसर शो कर रहा हूँ, इसमें आंसर मैच कीजिए सभी, किसी आंसर में यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सभी के आंसर आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी में, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है डन लिखकर मैसेज कीजिए। ओके हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोला है हमें स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कौन सा ट्रू है और कौन फॉल्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डिसजॉइंट सेट्स पूछे गए हैं। ट्रू और फॉल्स जल्दी से बताइए कौन क्या है। फर्स्ट क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्या लगता है? क्या डिसजॉइंट सेट है? हमें दिख रहा है दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? तो फर्स्ट डिसजॉइंट सेट नहीं होगा बिल्कुल भी। सेकंड, सेकंड में ए कॉमन आ रहा है, एक भी कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट सेट तो नहीं बनेगा। थर्ड 2 नहीं है कॉमन, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 14 नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए थर्ड इज अ डिसजॉइंट सेट, थर्ड होगा। फोर्थ 2, 6, 10, 3, 7, 11, हाँ ये भी डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है क्योंकि इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना? क्लियर है, कोई डाउट?
अब एक नेक्स्ट ऑपरेशन हमें देखना है। ऑपरेशन नहीं बोलना चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी, इसको बोला था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना। इसको हम एक एग्जांपल से अच्छे से समझ लेंगे। ये एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20 हमें दिया है, लेट यू, यू इज इक्वल टू दिस। यू, यू से याद आ रहा है, व्हाट इज यू? यू इज यूनिवर्सल सेट, यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज नॉर्मल सेट। तो हमें बोला है ए डैश बताओ। तो ए डैश क्या है? ए डैश का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमें बताना है। इसको ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ए पावर सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों चीजों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, इसको ऐसे बार भी लगा दो तो बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो तीन तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, ए डैश, ए ऊपर क्या लगा दिया सी, या फिर ए बार। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब कॉम्प्लीमेंट आके होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए में जो एलिमेंट आ गए और यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं आए और यूनिवर्सल सेट में अभी भी बाकी हैं, उन एलिमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। मतलब ए डैश इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं आए हैं? कौन कौन से नहीं आए? इवन नंबर्स नहीं आए, लाइक 2, 4, 6, 8 और 10। इनको लिख देते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में ऐसे एलिमेंट जो हमारा, हम जिसका कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं उसमें नहीं आए। और हम इसको एक थोड़ा अलग लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी सेट है उसका यदि यूनियन लिया जाए उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिवर्सल सेट मिलना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्लियर हो गया? एक बार एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। हमें यू दिया यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए क्या दिया है? 2, 3 एंड बी दिया है 3, 4, 5। तो हमें इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, पर हम ये सब अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बताना है, वो ये प्रॉपर्टी है। इसको हमें याद रखना है। इसमें क्या स्पेशल है? अंदर क्या दिख रहा है? यहाँ पर ए और बी क्या हो रहे हैं? यूनियन हो रहे हैं। ए और बी का यूनियन और पूरे पर क्या लगा है? कॉम्प्लीमेंट। यदि किसी का यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ये इक्वल होता है इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट लो और बीच में क्या हो जाए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, है ना? यूनियन की जगह क्या आ जाए? इंटरसेक्शन। इसको डी मोबियस थ्योरम भी बोला जाता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो दोनों पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, साइन यूनियन की जगह बन जाता है इंटरसेक्शन। अब इसको हम और इसको हम ऐसा भी यूज करते हैं कि ए और बी में क्या हो रहा है? यूनियन और सॉरी यूनियन तो पहले से है, ए और बी के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। और इसका क्या ले लिया हमने? कॉम्प्लीमेंट। तो अब दोनों सेट्स का क्या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा? और बीच वाला जो सेट है, बीच में जो साइन था यूनियन इंटरसेक्शन का था, इंटरसेक्शन से क्या बन जाएगा? यूनियन में। इस चीज को हमें याद रखना है एज अ प्रॉपर्टी।
इसको अलग से दिखाया भी है बुक में कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए का यदि ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करते हैं तो क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट। ए का ए कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? नल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। सेकेंड, डी मॉर्गन्स लॉ जो अभी हमने देखी है प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, एक का कॉम्प्लीमेंट है उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस कोई सेट मिल जाएगा, या ऐसा बोला जाए उल्टे का उल्टा क्या होता है सीधा, कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिया उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो क्या मिलेगा हमें? वापस कोई सेट मिल जाएगा। और फोर्थ है कि यदि फाई नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया, नल में कुछ नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और यदि किसने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोला तो यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट है, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? नल सेट, कुछ नहीं होगा उसमें। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें याद रखनी है। क्लियर? अभी तक कोई प्रॉब्लम? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए। यू दिया यूनिवर्सल सेट 1 से 9 तक एलिमेंट, ए दिया 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 है, सी 3 4 5 6। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट एंड बी माइनस सी होल कॉम्प्लीमेंट। इन सबको ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का, फिर मैं इन सबके आंसर आपको दिखाता हूँ।
सभी अपने आंसर्स मैच करें, ये आंसर आने चाहिए सभी के। सभी सभी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएं तो डन लिख के मैसेज कीजिए, यदि कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर बताइए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें बोला है बी माइनस सी पहले कैलकुलेट करो। बी माइनस सी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बी माइनस सी का मतलब क्या, बी में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो बी और सी दोनों में कॉमन है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, 3, 4 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। इन दोनों को, 4 और 6 को बी में से हटा देना है, तो क्या बचेगा, 2 और 6 ये बचेगा। अब हमें बोला है केवल ये रिमूव ही नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना है, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब 2 और 6 है इसके पास, तो क्या क्या नहीं है यूनिवर्सल सेट में, 1 से 9 तक 2 और 6 को हटा के बाकी सारे नंबर लिख दो, 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, और कोई डाउट? अच्छा, इसमें हाँ 2,8 आएगा। जैसे 2 और 8 को हम नहीं लिखेंगे इसमें से, यूनिवर्सल सेट में से बाकी सारी वैल्यूज को हम लिख देंगे। अच्छा, इसको और सॉल्व करके बताइए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने, क्या क्या आंसर आएंगे।
फर्स्ट में क्या आंसर आएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें आंसर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। सेकंड, फाइव डैश। तो फाइव डैश है, इसका मतलब यहाँ अल्टीमेटली लिखा क्या है? यूनिवर्सल सेट, है ना। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट और ए में इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? छोटा वाली चीज आएगी, ए आ जाएगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट पे इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा फाइव। अब ये यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला है, मतलब ये चीज क्या है? फाइव। फाइव और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? छोटा वाला, मतलब फाइव। तो ये आंसर हमें मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर। तो अभी हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग है, जो प्योरली डिपेंड करेगी वेन डायग्राम के ऊपर, और अभी तक हमने जो पढ़ा उससे काफी डिफरेंट होगी। तो उससे पहले 1.5 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया और लास्ट क्वेश्चन किया, बीच के जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोग घर पर अच्छे से सॉल्व कर लेना, और उसमें कोई भी डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? आज हम यहीं तक कवर करेंगे। यदि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो बताइए, वो हम डिस्कस कर सकते हैं वो चीज। यदि कोई डाउट नहीं है तो मुझे मैसेज लिखकर बताइए, नो डाउट। ओके, यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक ये 1.5 तक जितने क्वेश्चन है सारे कंप्लीट कर लो, और जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।